अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कश्मायला। हम देखेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी PSY 505 का GDB, जिसका क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन है व्हाट इज़ द प्रिवेलेंस ऑफ एडोलेसेंट सुसाइड इन पाकिस्तान एंड हाउ डज इट वेरी अक्रॉस डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। आल्सो डिस्कस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस वेरिएशन। जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ सम रिसर्च फाइंडिंग्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। हमें पाकिस्तान में एडोलेसेंट की सुसाइड के बारे में लिखना है और किस तरह वो वेरी करता है डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप्स में, और उसके बाद क्या वेरिएशंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं। उसके बाद हमने कुछ लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च फाइंडिंग्स के हेल्प से इस अपने जो भी आप आंसर देंगे उसको जस्टिफाई करेंगे। सॉल्यूशन जो के मैंने लिखा है, एडोलिसेंट सुसाइड इज अ कम्प्लेक्स इशू इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। जो एडोलिसेंट का सुसाइड जो एक कम्प्लेक्स इशू है, वो बेसिकली जो उसके जो वेरियस फैक्टर्स हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, वह इंडिविजुअल सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स इन पाकिस्तान लाइक इन मैनी कंट्रीज। सिर्फ पाकिस्तान में तो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी असाइनमेंट में पाकिस्तान की बात की गई है, लेकिन दूसरे कंट्रीज में भी सुसाइड रेट्स आर नॉट कंसिस्टेंटली ट्रैक्ड एंड रिपोर्टेड। हाउएवर, देर इज एविडेंस टू सुजेस्ट दैट एडोलिसेंट सुसाइड रेट्स इन पाकिस्तान आर अ मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी और दूसरे मुल्कों में भी सुसाइड रेट को ट्रैक नहीं किया जाता, मतलब कांस्टेंट ट्रैक नहीं किया जाता, ये रिपोर्ट नहीं किया जाता। बहुत सारी सुसाइड्स ऐसी होती हैं जो मतलब न्यूज़ जिनकी ब्रेक ही नहीं होती, और इसमें जो भी एडोलिस अब इस वक्त क्या कहा जाता है कि कुछ जो है एविडेंस हैं जो सुजेस्ट करते हैं कि जो भी जिससे पता ये मतलब सोचा गया है, या आप कह सकते हैं कि जो भी पाकिस्तान में एडोलिसेंट सुसाइड है वो एक कंसर्न मैटर बन गया है कि उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। रिगार्डिंग द वेरिएशन अक्रॉस डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, लिमिटेड रिसर्च एग्जिस्ट ऑन द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स इन पाकिस्तान। हाउएवर, इट्स लॉजिकल टू अज्यूम दैट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू द वेरिएशन इन एडोलिसेंट सुसाइड रेट्स। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज कैन अफेक्ट एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सपोर्ट एंड अदर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द वेरिएशन इन एडोलिसेंट सुसाइड रेट्स अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स कैन इंक्लूड। कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे हम आप कह सकते हैं कि मतलब सुसाइड जो रेट है उसका वो सबब भी बनते हैं, और उनको अगर वो नेगेटिव उनका यूज़ हो, अगर हम उन्हें पॉजिटिव उनका लेकर आए तो वो उससे हम सुसाइड रेट को कम किया जा सकता है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में हैव बेटर एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग अर्ली इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट विच कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ सुसाइड। कन्वर्सली, लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में फेस बैरियर्स टू एक्सेसिंग सच सर्विसेज। जो कोई हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स जो हैं जिसमें हमारी मेंटल हेल्थ सर्विसेज आती हैं और उसमें अर्ली इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट्स वगैरह को मतलब बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि वो सुसाइड जो रेट है उसको उसके रिस्क को कम कर सकें। और फिर इससे ये भी होता है कि जो लोअर क्लास लोग होते हैं, लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स जो हैं, वो उन्हें इन इस किस्म की सर्विसेज लेने लेना मुश्किल होती हैं क्योंकि वो इस किस्म की सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये सर्विसेज बहुत आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव होती हैं। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्ट्रेस अमंग एडोलिसेंट्स। जब एजुकेशन नहीं है इंसान के पास तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम होंगी, और जब लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो आप अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होंगे, और जब आप अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होंगे तो आपकी जो मायूसी की, होपलेसनेस की फीलिंग्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, जिससे आप स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे। और बहुत सारे एडोलिसेंट्स स्ट्रेस का शिकार होते हैं, मेनली जो वजह है और जो आता है कि उनका स्टेटस इतना स्टेबल नहीं होता, ठीक है, जॉब की टेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। वही बात, दिस कैन कंट्रीब्यूट टू अ हायर रिस्क ऑफ सुसाइड। कल्चरल फैक्टर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोसाइटल जो भी सोसाइटी का एटीट्यूड होता है एंड कल्चरल बिलीफ सराउंडिंग मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड कैन ऑल्सो प्ले अ रोल। इन सम केसेस
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में इन्फ्लुएंस द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद सीकिंग हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज देयर बाय अफेक्टिंग हेल्प सीकिंग बिहेवियर्स एंड एग्जेसरबेटिंग द रिस्क ऑफ सुसाइड, जिससे जो सुसाइड का रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा है, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो कि ऐड किए जा सकते हैं और आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन आपके जीडीबी में ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने इसको जस्ट 200 to 250 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो मैंने इसको इतने ही वर्ड्स में कवर करने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा आ जाएगा कि आप लोगों ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जीडीबी किस तरह से कवर करना है। मेरी लास्ट पर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। Thank you.